नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सोनाली फोगाड़ के थप्पड़ कांड में मार्केट कमेटी सचिव का समर्थन करने वाली खाप पंचायत के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा। महिला आयोग फतेहाबाद में हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष प्रतिभा सुमन बोली कि खाप पंचायत के लोगों को इस मामले को लेकर के आयोजित पंचायत में सरेआम लोगों के बीच में एक महिला के बारे में अश्लील भरी बातें की गई, वीडियो भी दिखाए गए। सभी सबूत तथ्य जुटा करके सरकार को केस दर्ज करने के लिए भेजा गया है। खाप पंचायत के ऐसे लोगों को इस हरकत के लिए मैं भी हैरान हूं, क्योंकि मैं खुद इस कम्युनिटी से आती हूं, लेकिन इस तरह से महिला के बारे में सरेआम लोगों के बीच में महिला के बारे में टिप्पणियों से आहत हो रही हूं। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड मामले में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के समर्थन में उतरने वाले खाप पंचायत के लोग और उनके खिलाफ कुछ हरियाणा महिला आयोग की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट चुका है। खाप पंचायत के कुछ लोगों के खिलाफ महिला आयोग ने इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो खाप पंचायत आयोजित हुई, उस पंचायत में लेक्चरर स्तर के कुछ लोगों ने और पढ़े लिखे लोगों ने भरी पंचायत में सैकड़ों लोगों के बीच में अश्लील बातें की। एक अश्लील वीडियो पंचायत के बीच में दिखाते हुए एक महिला के बारे में अश्लील प्रचार भी किया गया। इस बात की जानकारी आज महिला आयोग की अध्यक्षा प्रतिभा सुमन ने फतेहाबाद के मीडिया से बातचीत करते हुए कही। खाप पंचायत के खिलाफ महिला आयोग द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए प्रतिभा सुमन ने कहा कि हरियाणा महिला आयोग की टीम ने खाप पंचायत के दौरान उस व्यक्ति और उस वक्त कृत्य को जुड़े हुए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और सबूत सरकार को सौंप दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही खाप पंचायत में महिला को अपमानित करने वाली वीडियो दिखाने के मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतिभा सुमन ने कहा कि सोनाली फोगाट ने मार्केट सचिव से जो मारपीट की है वह हालात में की और किस समय में की, उस समय की नज़ाकत को भी समझना जरूरी है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जब सुल्तान सिंह से संबोधित वीडियो का सार्वजनिक करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केवल मात्र ऑडियो तक ही मार्केट कमेटी सचिव की सच्चाई सीमित नहीं है। महिला आयोग के सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आया है जिसमें मार्केट कमेटी सचिव स्तर के अधिकारी जुड़े हुए हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाओं के बारे में गंदे कमेंट्स भी किए जाते हैं और अश्लील भरी बातें भी की जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाओं की फ़ोटो और वीडियो भी शेयर किए जाते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच के लिए आईटी को लिखा गया है। आईटी विंग इस व्हाट्सएप ग्रुप की गंभीरता की जाँच करके जल्द ही तथ्य महिला आयोग के सामने शो करेगा। मामले में उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। इस केस से हटके जैसे सोनाली है उसको तलब किया गया था मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो क्या ऐसे जो महिलाएं जो ऐसे अत्याचार पुरुषों पर करती हैं क्या वो सही है? देखिए, अगर महिलाओं की तरफ से कोई पुरुषों के ऊपर अत्याचार की कोई बात आती है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे भाई, हम साथ मिल करके समाज के अंदर घर के अंदर काम करते हैं और इस तरह के इंसिडेंट को, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि समय क्या है, उस समय की नज़ाकत क्या है, क्या माहौल है, कि उस महिला ने अगर एक पुरुष का अपमान किया है तो क्यों किया है, उसकी भावनाओं को भी हमने समझना चाहिए। वो जो ऑडियो की बात आ रही थी सामने, वो अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, जो जिस पक्ष से सोनाली जी ने वो कदम उठाया जी, तो वो ऑडियो भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा कि जिससे पता चले कि सचिव ने वो जो सचिव ने जो हरकत की। अगर देखिए, मैं जो मंडी सेक्रेटरी है उनके बारे में बताना चाहूंगी आपको। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, अब भी वो शांति से वो आदमी नहीं बैठा। एक मंडी सेक्रेटरी जितने भी हिसार जिले के हैं सभी सेक्रेटरियों का एक ग्रुप है, उस पे उस ग्रुप के महिलाओं के खिलाफ अश्लील फोटो, आप गलत सलत चैटिंग कर रहे हैं, आप मंडी सेक्रेटरी हैं, आप सरकारी जिम्मेवारी के हैं और सभी सरकारी ऑफिसर्स ने एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में इस तरह से महिलाओं के सम्मान पे जो ठेस पहुंचती है ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, ये बहुत गलत है। उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मतलब अगर आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, हमने आईटी को लिखा है और हम उस पूरे ग्रुप के ऊपर कार्रवाई करवाने वाले हैं। हम इस महिला के
जो भी अपराध हैं उनको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और ये किसी को भी इजाजत नहीं है कि महिलाओं की इस तरह से आप बगैर उनकी इजाजत से आप उनकी फोटो को किसी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे शेयर करें, उनके खिलाफ आईटी के तहत कार्रवाई बनती है। और एक और वीडियो हमारे सामने आया है, खाप पंचायत के अंदर कुछ हमारे बुद्धिजीवी भाई हैं, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ, मुझे भी दर्द होता है कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ हमारे भाई करते हैं। उन्होंने जो वीडियो, इतना अश्लील वीडियो, एक 400-500 आदमियों के बीच में बैठ के एक महिला के बारे में आप इतना अश्लील बातें कर रहे हैं और आप